सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी के टीम को सूचना मिली थी कि कोसली स्थित अनाज मंडी में गरिमा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बगैर मार्केट फीस कटवाए गेहूं को रखा गया है। सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग के टीम ने सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में मार्केट कमेटी सचिव जितेंद्र कुमार को साथ लेकर फर्म पर रेड की। छापेमारी के दौरान गोदाम को चेक किया गया तो यहाँ 1238 कट्टे यानी कि 619 क्विंटल गेहूं बगैर मार्केट फीस कटवाए रखा मिला। तमाम कागजातों की जांच करने के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर फर्म पर 75,958 रुपए का जुर्माना ठोका गया। कुमार जी प्रकार नहीं, सरकार ने जो जमींदारों को गुमराह कर रखा था कि 500 रुपए बोनस देंगे, जमींदार हमारे पास माल गे गया। एक जमींदार 50 एकड़ का जमींदार है, उसका माल मेरे कन 600 से 700 क्विंटल माल पड़ा है, वो अपने मैंने पैक करके लगा दिया। जमींदार से मैंने कहा था मार्केट रेट 2050 का है, तो इसमें इलीगल मैंने क्या कर दिया। और अगर सरकार चेक की करनी है तो पूरी 125 मंडी में जितनी भी दुकान है सबकी कार्रवाई करो। ईपी अधिकारी ऊपर से 10 रुपए कट्टे 20 रुपए कट्टे मांगते, बता मी के क्यों रुपए दे इनको, किस लिए बताओ। सबकी कौन अधिकारी A to Z और बताओ A to Z में कौन कौन है यार। अधिकारी तो अधिकारी होता है, नहीं अधिकारी एसडीएम है, मार्केट कमेटी ओनली। अच्छा अच्छा, नॉट अदर्स। ठीक है ठीक है ठीक, ले जाओ ऊपर तक। सीएम फ्लाइंग से आए थे जी, हमारे पास की दुकानों में अनरिकॉर्डेड स्टॉक है, तो उसके बाद में कार्रवाई की गई है। तो जो अमाउंट निकला है उसके उन्हें वारंट की जुर्माने सहित उन्हें भरवा दी गई है, टोटल 75,758 रुपए जो भरवा दी गई है। और आगे से डायरेक्शन दी गई है कि ऐसी हरकतें कभी करने वाले में बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्या बिल्कुल चकी जाएगी। हम तो सभी का स्टॉक चाहते हैं और हर साल चेक करते हैं आखिरी में। अभी सीजन चल रहा है, अभी ऑनलाइन सीजन में यदि ऐसा पकड़ा गया है इन्होंने, वैसे इन्होंने दिए हैं फीस जो दी है 243 क्विंटल की फीस कटवाई हुए, जो एक्स्ट्रा कॉर्डिन का फीस का जुर्माने साथ ले दी गई है। सर ये आप रुपए मांगने का आरोप है, ये तो आप आरोप तो आप किसी खंडन करते हैं साहब, ना हमने किसी का मांगा ना हमने किसी, ये कह रहे हैं नीचे से ऊपर तक।